तो भाई इस हफ्ते सारा डिस्कशन तो हो रहा था बॉलीवुड के दो बड़े हैवी वेट्स के बीच के बैटल की, लेकिन उनके साथ तो अफसोस हो गया। एक तेलुगु फिल्म ने इन दोनों बॉलीवुड हैवीवेट्स की फिल्मों को हराकर इस हफ्ते का बॉक्स ऑफिस जीत लिया है। कार्तिकेय 2 एक छोटी बजट की तेलुगु फिल्म होने के बावजूद इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर पूरे इंडिया में कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है। और अगर IMDb और बुक माई शो की रेटिंग्स भी देखें तो ऑडियंस भी इस फिल्म को बहुत पसंद कर रही है। ये फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुकी है और अगले हफ्ते तक सुपरहिट स्टेटस की तरफ बढ़ रही है। ऐसा भी क्या उस लौंडे में जो मुझ में नहीं है? सानिया मिर्जा कटना धोनिया जान मारेला। अरे भाई यही बताने तो आज मैं यहाँ आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको कार्तिकेय 2 फिल्म का रिव्यू दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको ये फिल्म जाकर जरूर देखनी चाहिए। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO और आजकल फुल टाइम मूवी रिव्यूअर श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सकिन प्रणाम। तो कार्तिकेय 2 एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो भारत के इतिहास, भारत के देवी देवता, भारत के कल्चर को एक बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री फैंटेसी स्टोरी है। वैसे तो इस फिल्म को 2002 की एक फिल्म कार्तिकेय का सीक्वल माना जाता है, लेकिन उस फिल्म और कार्तिकेय 2 के बीच में बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, अदर देन जो कार्तिकेय फिल्म के प्रोटैगनिस्ट है वही कैरेक्टर 2012 के कार्तिकेय फिल्म में भी थे। तो स्टोरी ये है कि फिल्म के जो हीरो हैं डॉक्टर कार्तिकेय कुमारस्वामी, वो सिर्फ साइंस में और फैक्ट्स और लॉजिक में विश्वास रखते हैं। लगता है बेन शपीरो के बहुत बड़े फैन है सर। लेकिन एक दिन वो अपनी माता जी के साथ द्वारका जाते हैं और जब वो द्वारका में होते हैं तो एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर की मौत होती है जिसकी मौत की मिस्ट्री में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहां पर फिल्म एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर बन जाती है। और हीरो को ये पता चलता है कि हीरो को चूज किया गया है भगवान श्री कृष्ण के एक आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये आर्टिफैक्ट क्या है और उनको किसने चूज किया है, कैसे चूज किया है, ये पता करने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आपने इंडियाना जोन्स फिल्में देखी है तो फिल्म को देखकर थोड़ी सी इंडियाना जोन्स वाली वाइब आती है, जिसमें कि भारत के कल्चर का इस्तेमाल करके फैंटेसी एलिमेंट्स लगाए गए हैं। और देखिए यार, मैं सालों से हॉलीवुड की फैंटेसी साईफाई बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजेस हैं वो देखता आ रहा हूं और मैं हमेशा जेलस फील करता आया हूं कि हॉलीवुड किस तरह से यूरोप की जो हिस्ट्री है, यूरोप की जो माइथोलॉजी है, उनका जो एंशिएंट कल्चर है, उसका इस्तेमाल करके इतनी अच्छी सीरीज डेवलप करते हैं। और मैं हमेशा इस बात से डिसअपॉइंटेड रहा हूं कि भारत का इतना पुराना, इतना एंशिएंट कल्चर है, इतना रिच इतिहास है, उसके बावजूद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्यों इस कल्चर का इस्तेमाल करके अच्छी सीरीज नहीं डेवलप कर पाती है। और जब इस कल्चर का इस्तेमाल करके फिल्में डेवलप भी होती हैं तो द्रोणा डेवलप होती है। कानून क्रमांक 1,03,6.45 के अनुसार What is this? For what? Why? या रुद्राक्ष डेवलप होती है। A secret that gives the wielder power beyond his wildest dreams. नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो कसम से मैंने पर्सनली बहुत सालों तक इंतजार किया है इस तरह की एक फिल्म बनने का। और कार्तिकेय 2 की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखने से तो ये भी लगता है कि इंडियन ऑडियंस ने भी काफी समय तक इंतजार किया है इस तरह की फिल्म का। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के बारे में मुझे क्या अच्छा लगा। सबसे पहले तो जो डायरेक्टर की और स्क्रीन राइटर्स की विजन है इस फिल्म के लिए, उसको दाद देनी पड़ेगी। इस फिल्म का बजट सिर्फ 15 करोड़ है, लेकिन इस छोटे से बजट होने के बावजूद ये फिल्म का एम्बिशन बहुत बड़ा है। इस फिल्म ने जो वर्ल्ड बिल्डिंग डेवलप की है, जो लोर डेवलप किया है, वो बहुत डीप है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह या हैरी पॉटर की तरह ही देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग लोकेशंस में जाकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक लोकेशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया गया है, ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म भारतीय देवी देवताओं का, भारतीय कल्चर, भारतीय इतिहास का इस्तेमाल करती है स्टोरी को डेवलप करने के लिए, लेकिन काफी मैच्योर तरीके से इस्तेमाल करती है। जो बीमारी बॉलीवुड को है, वो बीमारी इस फिल्म को नहीं है कि जबरदस्ती देवी देवताओं का
इस्तेमाल करके हमेशा ऑडियंस को सेक्युलरिज्म के बारे में ज्ञान ही पेलना है। और ये फिल्म बहुत मचोरली ये भी दिखाती है कि हमको लॉजिक और फैक्ट्स पे तो डिपेंड होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, हमें एक ओपन माइंड रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो हम अभी तक समझ ना पाए हों। आई थिंक ऑनेस्टली बॉलीवुड को इस फिल्म से कुछ सबक सीखने चाहिए कि हर फिल्म का इस्तेमाल ऑडियंस को लेक्चर देने के लिए नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि इसीलिए कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं जो इस फिल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो इस फिल्म में कुछ ज्यादा ही श्री कृष्ण की बात की गई है। हाँ नहीं सही बात है भाई, श्री कृष्ण को क्यों दिखा रहे हो यार? इंडिया में तो सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी को दिखाना अलाउड है, भारत के दो इकलौते भगवान। तो भले ही मुझे फिल्म काफी पसंद आई हो, लेकिन कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती है, ये फिल्म भी परफेक्ट नहीं है। देखिए कोई भी बहुत अच्छी फिल्म जो होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है शो डोंट टेल, यानी आप विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमको कहानी बताइए, सिर्फ सुनाकर हमको कहानी नहीं बताइए। इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि विजुअल स्टोरी टेलिंग के बजाय अक्सर कैरेक्टर्स जो है वो बेसिकली आपको स्टोरी सुना रहे होते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि अक्सर स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये गेस करना काफी आसान हो जाता है। एटलीस्ट मैंने जो चीजें गेस की थी कि अच्छा मूवी में मोस्ट लाइकली ये होने वाला है वही हुआ। मुझे ये भी लग रहा था कि मूवी में कुछ जगहों पर, खासकर क्लाइमैक्स में, कुछ और बड़े और कुछ और एपिक स्केल के एक्शन और एडवेंचर सीक्वेंसेस होने चाहिए थे जो नहीं हुए। और मैं समझ सकता हूँ, देखिए छोटी बजट की फिल्म है, छोटी बजट के फिल्म में आप इतना सारा एक्शन एडवेंचर सीक्वेंसेस ऐसे भी नहीं डाल सकते, तो मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी जो ग्राफिक्स है, जो VFX है, वो भी अगर आप देखेंगे तो देख कर लग जाता है की हाँ भाई 15 करोड़ की फिल्म है। एक दो सीन्स ऐसे है जिसमें थोड़ी सी सेक्युलरिज्म घुसेड़ी गई है, जहाँ पर ये फिल्म दिखाने की कोशिश करती है की भाई हम तो सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक में विश्वास रखते हैं, हिंदुओं के सुपरस्टिशन में हमको उतना विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसे एक ही दो वाक्य हैं फिल्म में, इतना ज्यादा नहीं है कि फिल्म आपसे देखी नहीं जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये फिल्म इंडियन धर्म को, इंडियन देवी देवताओं को, इंडियन कल्चर को, इंडियन इतिहास को काफी मचौर तरीके से इस्तेमाल करती है एक बहुत इंटरेस्टिंग मिस्ट्री डेवलप करने के लिए, तो मुझे उन एक दो सीन से कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि एक इतनी छोटी बजट की फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म स्कोप में, स्टोरी में बहुत एम्बिशियस है, कुछ काफी इंटरेस्टिंग एडवेंचर सीक्वेंसेस हैं, सेट्स काफी इंटरेस्टिंग बनाए हैं इतनी छोटी बजट के बावजूद, अच्छे लोकेशंस पर जाकर शूट किया गया है, वर्ल्ड बिल्डिंग जो की है इस फिल्म की वो भी बहुत अच्छी तरह से की गई है, और मैंने इस फिल्म को एक्चुअली काफी एंजॉय किया, तो मैं इस फिल्म को खुशी-खुशी आपको रेकमेंड कर सकता हूं। ये परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इस फिल्म को एंजॉय करेंगे, और इस तरह की फिल्मों को हमको ऐसे भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं इस बात से भी खुश हूं कि ये फिल्म हिट हो गई है और सुपर हिट होने की तरफ जा रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म का एक सीक्वल बने और सीक्वल और भी बड़े बजट के साथ बने, ताकि जो स्क्रिप्ट राइटर्स का और डायरेक्टर का विजन है वो विजन वो पूरी तरह से डेवलप कर सकें। और अगर आप थोड़ा फ्यूचर में भी देखिए तो राम सेतु और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में भी आ रही हैं, जो कि इंडियन इतिहास और इंडियन कल्चर, इंडियन देवी देवता का इस्तेमाल करती है एडवेंचर मिस्ट्री डेवलप करने के लिए। तो मैं होप करता हूं कि फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो समझ रही है कि इंडियन कल्चर में कितना पोटेंशियल है बढ़िया फैंटेसी सीरीज डेवलप करने के लिए, और आगे जाते हुए स्टूडियोज और टैलेंटेड फिल्म मेकर्स अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपने पैसे इस तरह की फिल्में डेवलप करने में, इंडिया में बेस्ड, इंडियन कल्चर में बेस्ड फैंटेसी, एक्शन, साईफाई मूवीज और सीरीज डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैं बस इतना होप करता हूं कि राम सेतु और ब्रह्मास्त्र कार्तिकेय 2 जैसी हो और रुद्राक्ष जैसी ना हो। प्रेजेंटिंग आवर फेवरेट हिप्नोटिक चूहा। एक्सक्यूज मी, व्हाट द। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तक कार्तिकेय 2 देखी है? अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपने मेरा अभी तक लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कहीं पर घूम रहा होगा, क्लिक करके जरूर देखें। बाकी अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च खरीदना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके मर्च जरूर देखें। और अगर आप शाम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के पेट्रियन बने और मक क्लब को भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड।